सेवण, भंभोर और मंसूरा के आर्टिफैक्ट्स हैं। वहाँ से निकली हुई चीजें हमारे पास लोहे की चीजें मिली हैं, पत्थर की चीजें मिली हुई हैं। सिंध की तारीख और फन महारत के फरोग के लिए हैदराबाद में तारीखी शाहकार नमूनों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। बसंथाल हैदराबाद में महकमा आसार कदीमा की जानिब से सेवण, मंसूरा और भंभोर से मिलने वाली तारीखी अशिया और नवादरात की नुमाइश मुनक्किद की गई, जिसका मकसद नई नस्ल को तारीखी अहमियत और फन महारत से आगाही देना था। नुमाइश में सदियों पुरानी रिवायत के तहत घरों में इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के बर्तन, बच्चों के खिलौने और मूर्तियां शामिल थीं। पहले के लोग क्या बना रहे थे, किस तरह क्या उनका एक कल्चर मिलेगा, उनका रिलीजियस भी मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ एक इंसान कर रहा है वो उनसे रिलीजियस से भी एक रिलेटिव करती है और उसकी सकाफत से भी रिलेटिव करती है। तो ये जो फिजिकल एविडेंस है ये भी उनकी नॉलेज उनको मिलेगी, ताजुब पैदा होगी और उनको शौक़ पैदा होगा और फिर उनको उनसे चाह होगा, लगा होगा। इस तरह की एग्जीबिशंस के करने का एक मकसद ये भी है कि हमारे यहाँ आर्ट के लिए, आर्टिस्ट के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारे यहाँ इस तरह की एग्जीबिशंस नहीं की जाती, तो ये एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है जहाँ पर हम लोग आर्ट को, हिस्ट्री को प्रमोट कर सकें, हम लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा कर सकें, उनके अंदर ये नॉलेज पैदा कर सकें कि इस तरह की चीज़ों की कीमत क्या है, इस तरह की चीज़ों की अहमियत क्या है। मुंतजमीन का कहना था कि तारीखी अहमियत और फन महारत को फरोग देकर हम अपने आने वाली नस्ल को बता सकते हैं कि कदीमी दौर की रिवायत कहाँ से शुरू हुई। कैमरा मैन अदनान जई के साथ रेहान गनी, पासबान न्यूज़, हैदराबाद।